आज कैथल के अंदर दूसरे दिन के कार्यक्रम है और कैथल के लोगों का, कैथल की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आया। भरपूर उत्साह, जोश आज मुझे देखने को मिला है और ये जोश और उत्साह, क्योंकि ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उनकी जो नीतियां हैं उस नीतियों का परिणाम है कि दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक उसको सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ करके सीधा उसको लाभ पहुंचाने का काम, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम ये हमारी दोनों की दो सरकारें कर रही हैं। जबरदस्त काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जबरदस्त काम मनोहर लाल जी कर रहे हैं और उन सब बातों को लेकर के, चर्चाओं को लेकर के मैंने कार्यकर्ताओं को भी एक बात कही है, क्योंकि कांग्रेस वो झूठ का सहारा लेकर के लोगों के बीच में वो भ्रम की स्थिति पैदा कर देती है और उसके दुष्परिणाम निकलते हैं आने वाले समय के अंदर, कि वो झूठ ना फैलाएं, उस झूठ के आगे हमारा कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा होकर के उसको रोकने का काम करेगा, क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस झूठ के ऊपर ही अपनी सरकार का निर्माण करती रही। जिस गति से देश को आगे बढ़ना चाहिए था, शायद उस गति से देश नहीं बढ़ पाया और जिस गति से लोगों तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो सुविधाएं भी नहीं पहुंची, क्योंकि लोग, और ये भी सजबाग दिखाने का काम करते हैं कांग्रेस के लोग, सजबाग इस प्रकार का दिखाते थे, हमारी सरकार आएगी और हम गरीबी को हटाएंगे। 55 साल लोग इंतजार करते रहे, गरीबी नहीं हटी, गरीब और गरीब होता चला गया और लोग सुरक्षित भी नहीं थे कांग्रेस के शासन के अंदर। पहली बार है देश के अंदर सामाजिक रूप से भी देश का हर नागरिक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। जो आतंकवाद का एक भय होता था, उस भय से भी आज देश बाहर निकला है। आज हर देश का नागरिक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो देश के अंदर है और चाहे दुनिया के किसी भी देश के अंदर है, सर ऊंचा उठा करके वो जा सकता है, उसका सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहुत सारे काम हैं और हम कार्यकर्ताओं से और जागरूक जनता से ये कहना चाहेंगे कि ऐसे मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी के रूप में, मनोहर लाल जी के रूप में जो देश और प्रदेश के अंदर मिले हैं, ऐसे लोगों को मजबूत करने का जिम्मा वो समाज का है। समाज आगे निकल करके आए, विपक्ष दुष्प्रचार करता है और दुष्प्रचार करके झूठ बोलने का काम करता है, उसके दुष्परिणाम के उदाहरण भी हमारे सामने हैं। कांग्रेस के युवराज ने, राजस्थान में चुनाव चल रहा था पिछला, और उस चुनाव के अंदर अंतिम, जब इलेक्शन अंतिम उसके ऊपर था, एक जनसभा में जाकर के उसने बोला कि आप हमें वोट दें, हमारी सरकार बनेगी, और गिनती गिनी 1 से 10 तक, 10वें दिन सारा कर्जा माफ कर दिया। वो झूठ के निर्माण के ऊपर सरकार बन गई। लोग जब कोई बड़ा नेता बोलता है उसका विश्वास करता है, परंतु उनका झूठ आज पूरे देश के सामने आया है और वो झूठ, उसके दुष्परिणाम निकले कि राजस्थान के 4,500 किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, उसका दुष्परिणाम निकला 19,500 किसानों की जमीन कुर्क हो गई। झूठ बोल करके सरकार का निर्माण तो किया, परंतु उसका समाज और देश प्रदेश को नुकसान होता है। वो नुकसान देश की जनता और प्रदेश की जनता को ना हो, समाज को ना हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक दीवार बनकर के उस झूठ के सामने खड़ा होगा। ये मैंने सभी कार्यकर्ताओं से कहा भी है और मैं आपको और भी बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग जो बोलते हैं, क्योंकि कांग्रेस अगर कहीं आती है वो भ्रष्टाचार के लिए आती है। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर भी
एक बड़ा स्कैम सरकार का वो सामने आया है, और उसके अंदर क्योंकि जो घमंडिया गठबंधन है और जो लोग बोलते थे कट्टर ईमानदार हैं, उनके चेहरे भी जनता के सामने गए हैं। ये लोग जो पैसा लूटते हैं, जो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है, ये पैसा गरीब के वेलफेयर के लिए खर्च होता है, परंतु जब ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है तो गरीब व्यक्ति वो हाथ मलता रह जाता है, उसके कुछ नहीं उसके हाथ में लगता। परंतु नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल जी मजबूती से उनको खुशहाल करने के लिए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हुए उनको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। देखिए हमारी पूरी तैयारी है, हमारा जो संगठन है वो पन्ना प्रमुख के ऊपर बैठा है। आदरणीय धनखड़ जी ने भी पिछले अपने टेन्योर में जबरदस्त काम किया है और वो अब केंद्र की जिम्मेवारी में है, उनका आशीर्वाद लेकर के भी हम हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल खिला करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और मनोहर लाल जी ने जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी उन योजनाओं में इजाफा करके गरीब व्यक्ति तक खड़े होकर के और एक पहरा दे करके, जो एक चौकीदार का काम होता है, प्रमुख चौकीदार में पहरा दे करके उन तक पहुंचाने का काम किया है। और हरियाणा के अंदर भी 2024 में डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनाने का काम करेंगे। और आप देखना आज हरियाणा की जनता एक बड़ा उत्साह है, हरियाणा की जनता विधानसभा के चुनाव के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट से हरियाणा की सरकार बनेगी और 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगी। वीरेंद्र सिंह ने पार्टी को नसीहत दी है जनता के साथ लड़ने की, हमारे वो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी नसीहत भी हमने सुनी है, उनकी नसीहत मानी है। और बड़े जो हमारे नेता हैं, हमारे बड़े लोग हैं, बिल्कुल उनकी नसीहत जो देते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि हमने बड़ों का आशीर्वाद लेना है, मेरे जो बराबर के लोग हैं उनका सहयोग लेना है, और जो मेरी आयु से छोटे हैं और पार्टी का मजबूती से काम कर रहे हैं उनको साथ लेकर के 10 कमल के फूल खिलाएंगे। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, नहीं देखिए मैंने कहा ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, हमने 10 लोकसभा की सीटें हमारे सामने टारगेट है और डबल इंजन की सरकार हमने बनानी है। जो भी केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा सर आंखों पर है। कुल मैंने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि जो मेरी सांसद की मुहर है वो थरी जेब में है, किसी भी व्यक्ति को अगर जरूरत पड़े तो उसको तुरंत उपयोग करो, और अगर कहीं मेरी रात के 2 भी जरूरत पड़े मैं 2 उनके बीच में उपस्थित हूँगा। मैंने ये स्पष्ट रूप से सभी कार्यकर्ताओं के बीच में कहा, क्योंकि स्नेह मिलता है कार्यकर्ताओं का और यहाँ के कार्यकर्ताओं की बड़ी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी का निर्वहन सभी कार्यकर्ता करेंगे। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता था और पार्टी के कार्यालय में काम करता था, काम करते करते मुझे पार्टी ने विधायक का चुनाव लड़ाया और पार्टी के विभिन्न पदों के ऊपर भेजा, और जहाँ जहाँ भी पार्टी ने भेजा मैंने उसके ऊपर 100% अपनी ताकत के साथ अपनी शक्ति के साथ काम करने का कार्य किया है। और आदरणीय पार्टी ने मुझे अंबाला का जिला अध्यक्ष भी बनाया था, और मेरे जिला अध्यक्ष होते हुए हमने मजबूती से जब काम किया 4 विधानसभा की सीटें हमने जीत करके हरियाणा में सरकार बनाने का भी काम किया था, और अब भी हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 2/3 से भी ज़्यादा विधायकों की सीटें जीत करके आज तीसरी बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनी।